बॉलीवुड में किसने लिया अपने को-स्टार का सहारा और किसको भाया समुंदर का किनारा, सब पता चलेगा सिर्फ यहाँ विद मी रंगीली रुचि, ओनली ऑन बॉलीवुड कैफे। ऋचा चड्ढा को कब अशेम्ड फील होता है? एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से बॉलीवुड में आई है। I really feel ashamed when people use the word outsider for people like us. I feel the word outsider shouldn't even exist in the dictionary. ऐसा ऋचा ने मीडिया से कहा। कोई नहीं ऋचा, अब जब आपने बता ही दिया है तो लोग आपको कभी outsider नहीं कहेंगे। क्या है अमिताभ बच्चन की लाइफ का सक्सेस मंत्रा? I get up in the morning and I have a film to work on. इसके बाद अमिताभ बच्चन जी ने अपनी इंस्पिरेशन को लेकर कहा, The woman who inspired me is my mother. She gave me a lot of strength. I used to play in the backyard and there was a day when some guys came and beat me up. I came back crying. My mother asked me to go back and fight and beat them up. And I went. बिल्कुल बच्चन जी, आप जैसे सुपर हिट हो वैसे ही आपके ख्याल भी हैं। और जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, ये हमने आपसे ही तो सीखा है। राधिका आप्टे खुद को स्टार क्यों नहीं मानती? हार्ड वर्किंग राधिका आप्टे ने कहा, आई डोंट थिंक आई कंसिडर माई सेल्फ अ स्टार। The journey has been difficult, but it's been fulfilling. I believe my journey has just begun, and I still have a long way to go. बिल्कुल राधिका, जब आपकी सोच ही इतनी उम्दा हो तो 100% देना तो बनता ही है। तो ये था बॉलीवुड कैफे का आज का एडिशन। मैं हूँ रंगीली रुचि और ऐसी ही मजेदार मसालेदार फिल्मी खबरों के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अभी के अभी।